ऐसा नहीं होगा तो दैट मीन्स उसकी जॉब खतरे में मतलब धंधा चौपट होने वाला है। जब भी हम डांस करेंगे तो वो मुझे सिखाएगी कि यार बीट पे डांस करो, बीट पे डांस करो, बीट पे डांस करो, तो वो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। अगर वो किस अच्छी तरह से नहीं किया तूने, ओके, तो तोहमत है तेरे एक्टिंग पे, तोहमत है तेरे परफॉर्मेंस पे। आपका और प्रिया बनर्जी के बीच का जो रोमांस सीन्स है उस पर टीजे का क्या रिएक्शन था तेरा? भाई जब सबसे पहला किस वाला सीन था जो हमें करना था, तो ऑफ कोर्स परमिशन लेनी पड़ गई मुझे। मैंने बोला ठीक, एक किस सीन है, आई होप इट्स ओके। तो उसने मुझे क्या कहती, वो मुझे क्या कहती है, आई होप इट्स ओके। अगर वो किस अच्छी तरह से नहीं किया तूने, ओके, तो तोहमत है तेरे एक्टिंग पे, तोहमत है तेरे परफॉर्मेंस पे। इट बेटर बी अ सीन वे एवरीबडी फील्स वाओ, ये सिर्फ कहा वाला सा व्हाट स्लीजी नहीं लगना चाहिए, क्लासिक लगना तो शी शी इज वेरी कोऑपरेटिव एंड शी मतलब वो सोचती नॉट एज अ वाइफ, शी थिंक्स एज एन ऑडियंस, यू नो। वो हमेशा कहती भी कि अगर बहुत सारे सवाल पूछते लोग उसको, कह रहे तुम्हें ऐसा फील नहीं होता कि इतनी सारी लड़कियां आती है पिक्चर क्लिक करती है, आई लव यू बोलती है या किस वगैरह करना चाहती है, तो बोले अगर ऐसा नहीं होगा तो दैट मीन्स उसकी जॉब खतरे में मतलब धंधा चौपट होने वाला है। तो अगर अच्छा है ऐसा चलता रहे। ललित जी आपसे एक क्वेश्चन मेरा ये होगा कि मौनी और करण की जोड़ी टीवी पर बहुत फेमस हो चुकी है, अब मौनी भी फिल्में कर रही हैं और करण भी फिल्में कर रहे हैं, तो क्या इन फ्यूचर कभी आप इन दोनों के साथ कोई फिल्म बनाएंगे? जहाँ तक मौनी की बात है, मैंने उनके साथ कभी काम नहीं किया है और मैंने टीवी देखा भी नहीं है। एक्चुअली मैंने टीवी बहुत किया है तो मेरे घर में केबल कनेक्शन है भी नहीं, तो और केवी की बात है, केवी तो एनी टाइम टिल आई डाई इफ आई एम मेकिंग समथिंग। जरूर अगर कोई ऐसी कहानी हाथ में होगी जहाँ पे दोनों एक साथ आ सके तो ऑब्वियसली करेंगे, और क्योंकि दोनों बहुत अच्छे ट्रेंड एक्टर हैं, दोनों अच्छे प्रोफेशनल एक्टर हैं, तो उनके साथ काम करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती। जहाँ पे आप न्यू कमर्स को लेकर आप यू हैव टू ट्रेन दोज एक्टर। खाली एक प्रॉब्लम आएगी यार, वो जब भी हम डांस करेंगे तो वो मुझे सिखाएगी कि यार बीट पे डांस करो, बीट पे डांस करो, बीट पे डांस करो, तो okay. उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, तो देख लेना अच्छा कोरियोग्राफर लेके। आई थिंक वो पुराना हो गया, नाउ यू कैन डांस मच बेटर। नहीं बट फिर भी मेरा ऑन बीट, नहीं आई एम ऑलवेज ऑफ बीट बट आई एम अ वेरी गुड डांसर ऑफ बीट। नहीं अभी मैं मनमोहिनी का बताता हूँ किस्सा, तो आदिल वॉज डायरेक्टिंग दैट सॉन्ग, तो केवी आया और केवी ने आदिल ने बोला केवी रिहर्सल कर लो, केवी एक दिन गया सिर्फ हाफ एन आवर, सिर्फ हाफ एन आवर रिहर्सल किया उसने, और उसके बाद सेट पे आया। सुबह मैं सेट पे पहुंचा तो देख रहा हूँ, मैंने कहा आई एम रेडी, तो केवी सिर्फ देखता था कि अच्छा ये स्टेप हो रहा है, और आदिल को बोलता था आई एम रेडी, आई वॉज कन्फ्यूज यार क्या हो रहा है, वन टेक वन टेक वन टेक वन टेक वन टेक, एक पूरा गाना कुछ 4 से 5 घंटे के अंदर वो शूट हो गया। तो मुझे बहुत टीवी के अंदर जितने भी एक्टर्स के साथ मैंने काम किया ना, सब लोग ना नाचने में सबसे ज़्यादा पुअर होते हैं, और आप किसी भी एक्टर से पूछेगा, मैं तो इतने सारे एक्टर्स डायरेक्ट किए हैं, सर ने तो देखा ही है सेट के ऊपर कि क्या क्या खेल होते हैं क्या नहीं होते हैं, तो बहुत पुअर होते हैं। बट केवी ने मुझे उस दिन सरप्राइज कर दिया, तो अभी जब मैं सुन रहा हूँ कि अगर मोनी ऐसे कहती है कि बीट पे तो देखो मैं ट्रेन आदिल खुद सरप्राइज हो गया था, वो अपने डांसर को सिखा रहा है केवी रेडी है।